हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो ऑन यूनिट नंबर 1 टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। आई एम सुवर्णा घाटे, लेक्चरर ऑफ एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द यूनिट नंबर 1 दैट इज सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। एंड इन दिस वीडियो वी लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is troubleshoot problem related to single phase AC series circuit. Single phase AC series circuit को handle करते वक्त आपको जो भी problems आएंगे उसे कैसे solve करना है ये हम इस unit में पढ़ेंगे. Then next one is learning outcome. That is understand basic definitions of single phase AC series circuit. Single phase AC series circuit को handle करने के लिए जो भी parameters लगते हैं and numerical solve करने को जो भी parameters लगेंगे उसके formulae and उसके definitions हम इस video में पढ़ने वाले हैं. Next is reflection spot. इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर क्या होता है ये आप इसका आंसर आप लिख पाओगे. देन फर्स्ट वन इज रिएक्टेंस. रिएक्टेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं. इन द डीसी सर्किट रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट. सिमिलरली फॉर एसी सर्किट रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट. हमने यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 डीसी सर्किट पे पढ़ा है. उसमें हमने रेजिस्टेंस का यूज़ किया था जो करंट को अपोज करता था, बट इन एसी सीरीज सर्किट हम रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस का यूज़ करेंगे जो फ्लो होने वाले करंट को अपोज करेगा. तो अगेन रिएक्टेंस दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हम नोट डाउन करते हैं एक्स एल से. एक्स इज़ फॉर द रिएक्टेंस एंड एल इज़ फॉर द इंडक्टेंस. एंड सेकेंड वन इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको हम नोट डाउन करते हैं एक्स सी से. सी इज़ फॉर द कैपेसिटर एंड एक्स इज़ फॉर द रिएक्टेंस. टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस में हम पहला टाइप देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस. द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. उसका फॉर्मूला है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल. देन हमें न्यूमेरिकल में एक्सएल का फॉर्मूला यूज़ करना होता है जहाँ पे हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना होता है. तो अगर हमें ओमेगा एंड एल की वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट अगर हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है तो ओमेगा के लिए अगेन एक फॉर्मूला है 2πf. 2π इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म एंड f इज़ द फ्रिक्वेंसी. तो हम ओमेगा की जगह पे 2πf पुट करेंगे तो हमें एक्सएल का फॉर्मूला मिलेगा 2πfL एंड इसका यूनिट होता है ओहम. द नेक्स्ट रिएक्टेंस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. अगेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सेम काम है, वो करंट को फ्लो होने से अपोज करेगा. तो जैसे हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला देखा था वैसे ही हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा सी. अगेन हमें ओमेगा और सी की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्टली कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें ओमेगा की वैल्यू पता नहीं है तो अगेन ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf. तो हम एक्स सी के फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2πfc. अगेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी ओहम ही होता है. नेक्स्ट इज इम्पीडेंस. हम इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं. इम्पीडेंस अगेन फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है. तो अब इम्पीडेंस के दो टाइप होते हैं, इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म. देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे इम्पीडेंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. रेक्टेंगुलर फॉर्म एक होता है और दूसरा होता है पोलर फॉर्म. तो पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे इम्पीडेंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. द एसी सर्किट मे नॉट ऑलवेज प्योरली रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पैरामीटर्स.
एसी सर्किट ये प्योरली रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव नहीं रहेगी, मतलब पूरे सर्किट में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कभी आरएल रहेगा, कभी आरसी रहेगा, कभी आरएलसी रहेगा, मतलब रेजिस्टर्स इंडक्टेंस रहेंगे, कभी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रहेगा, या फिर कभी तीनों भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और दूसरा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम इसको रिएक्टेंस नहीं बोल सकते क्योंकि ये इंडक्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमें इम्पीडेंस का फॉर्मूला मिलेगा आर प्लस जे एक्सएल, आर इज़ फॉर द रेजिस्टेंस एंड एक्सएल इज़ फॉर द इंडक्टिव रिएक्टेंस। आर इज़ द रियल पार्ट एंड एक्सेल इज़ द इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमें एक्सेल के सामने जे दिखाई दे रहा है। इम्पीडेंस इज़ द एडिशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, सो आर इज़ द रियल पार्ट एंड एक्सेल इज़ द इमेजिनरी पार्ट। अब हम देखेंगे इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म। इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म के लिए हमें फॉर्मूला मिलता है जेड इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ जेड एट एंगल फाइ, जेड इज़ द इम्पीडेंस। तो हमने जेड हमें निकालने के दो तरीके हैं, एक है रेक्टेंगुलर फॉर्म जो हमने अभी फॉर्मूला देखा है आर प्लस जे एक्सएल, वो हमें रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में मिलता है। लेकिन अगर हमें सेपरेट वैल्यू चाहिए इम्पीडेंस की और विथ एंगल चाहिए, तो हमें इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इम्पीडेंस का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हाइपोटेनियस को हमने जेड से नोट डाउन किया है, दैट इज़ इम्पीडेंस। एडजेसेंट साइड को हमने आर से नोट डाउन किया है। एंगल से हम देखेंगे तो ये हुई हमारी आर वाली एडजेसेंट साइड, दैट इज़ द रिएक्टेंस इज अपोजिट साइड। सो एडजेसेंट साइड इज़ द रेजिस्टेंस एंड अपोजिट साइड ऑफ एंगल, दैट इज़ फाई, इज द रिएक्टेंस, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड एट एन एंगल फाई। सो मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सेल स्क्वेयर, और फाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्सेल डिवाइडेड बाय आर। मॉड ऑफ जेड एंड फाई की हमें वैल्यू पता चलेगी तो हमें इम्पीडेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है और इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस का। जैसे कि हमने बताया है एंगल की हाइपोटेनियस साइड हमेशा इम्पीडेंस होती है, एडजेसेंट साइड हमेशा रेजिस्टेंस होता है और अपोजिट साइड हमेशा रिएक्टेंस होता है। सो अगेन मॉड ऑफ जेड एट एन एंगल फाई ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, और मॉड ऑफ जेड का हमें फॉर्मूला मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सेल स्क्वेयर, और फाई होता है टैन इनवर्स ऑफ एक्सेल डिवाइडेड बाय आर। अगर हमें आर और एक्सेल की वैल्यू पता है तो हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, बट समटाइम हमें इम्पीडेंस पता होता है और एंगल पता होता है, तब हमें रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को फॉर्म करना होता है। उसके लिए फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस फाई, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला है मॉड ऑफ जेड इंटू साइन फाई। नेक्स्ट इज एक्टिव पावर। एक्टिव पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज करंट एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। हम एक्टिव पावर को पी से नोट डाउन करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमें मिलेगा वी आई कॉस फाई, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसका यूनिट होता है वैट। नेक्स्ट इज रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज करंट एंड साइन एंगल बिटवीन देम। हम रिएक्टिव पावर को क्यू से नोट डाउन करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वी इंटू आई इंटू साइन फाई, दैट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड साइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हम इसको नोट डाउन करते हैं क्यू से, एंड इसका यूनिट होता है वी ए आर, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस। नेक्स्ट इज एपरेंट पावर। एपरेंट पावर इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड
करंट, एस इज इक्वल टू वी इंटू आई, इट इज़ डिनोटेड बाय एस एंड इट्स यूनिट इज वी ए, वोल्ट इज फॉर द वोल्टेज एंड एम्पियर इज फॉर द करंट, दैट्स वाई इट्स यूनिट इज वी ए. नेक्स्ट इज फेज एंगल. फेज एंगल इज डिफाइंड एज इट इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज एंड करंट के बीच वाले एंगल को हम फेज एंगल बोलते हैं एंड हम उसको फाई से नोट डाउन करते हैं. अगेन द पावर फैक्टर. पावर फैक्टर को हम नोट डाउन करते हैं कॉस फाई से. पावर फैक्टर इज डिफाइन एज इट इज़ द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज एंड करंट के बीच के कोसाइन एंगल को हम पावर फैक्टर बोलेंगे. इसे हम नोट डाउन करते हैं कॉस फाई से. सो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर. एक्टिव पावर का फॉर्मूला है वी आई कॉस फाई डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर का फॉर्मूला है वी आई. वी आई वी आई गेट कैंसिल. सो हमें फॉर्मूला मिलता है ओनली कॉस फाई. सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई. इस फॉर्मूले का यूज़ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे. अगेन द पावर ट्रायंगल. इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर. जैसे हमने इम्पिडेंस ट्रायंगल देखा है सेम वैसे ही हमारा पावर ट्रायंगल रहेगा. आप एंगल देख रहे हो जिसको हमने फाई बोला है. हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा एपरेंट पावर, उसे हम नोट डाउन करते हैं एस से. एस इज इक्वल टू वी आई. अपोजिट साइड हमेशा रहेगा रिएक्टिव पावर, हम उससे नोट डाउन करते हैं क्यू से. क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन फाई. एंड एडजेसेंट साइड हमेशा रहेगा एक्टिव पावर, दैट इज पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई. ओवरव्यू. इन दिस वीडियो वी लर्न द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इम्पिडेंस, रिएक्टेंस. हमने टाइप्स ऑफ इम्पिडेंस देखे हैं, दैट इज इंडक्ट पोलर फॉर्म एंड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. एंड टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस देखे, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अगेन हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़े हैं एक्टिव पावर उसका फॉर्मूला, रिएक्टिव पावर उसका फॉर्मूला एंड एपरेंट पावर एंड उसका फॉर्मूला. अगेन हमें पावर ट्रायंगल भी देखा है. हम नेक्स्ट वीडियो में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज द वन असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू. डिफाइन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर. आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके कॉपी में लिखना है. प्रोग्राम आउटकम मैपिंग. हमारे इस वीडियो में PO1, PO2, PO3 सैटिस्फाई होता है. PO1 इज़ बेसिक नॉलेज, तो हमें इस वीडियो से AC सीरीज सर्किट का बेसिक नॉलेज मिला है. इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है इसलिए डिसिप्लिन नॉलेज भी मिलता है. और आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करोगे और फॉर्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, दैट्स वाई आपका एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस ये PO भी सैटिस्फाई होता है. PO8 इज़ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. आप इंडिविजुअली फार्मूला लर्न करोगे, असाइनमेंट लिखोगे एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपका PO8 भी सेटिस्फाई होता है. PO9 इज़ कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, दैट्स वाई हमारा PO9 भी सेटिस्फाई हो रहा है. PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब आप इंडस्ट्री में जाओगे और AC को हैंडल करोगे तब आपको ये सारे पैरामीटर्स का वहाँ पर यूज़ होगा, तो आपको PO10 भी सेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे रहा है. देन PO2 इज जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, अगेन इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल का नॉलेज एंड AC सीरीज सर्किट को नॉलेज होना ज़रूरी है, दैट्स वाई हमारा PO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है. थैंक यू.